कहाँ से आए भैया आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आप आ गए? हाँ, मुजफ्फरपुर जिले से आए हैं, माधोपुर गांव से। अच्छा, माधोपुर गांव से। ये कुढ़नी में पड़ता है ना, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के अंदर? हाँ, कुढ़नी विधानसभा। हम वहाँ पर गए थे काफी। हम लोग सर का ये देखे वीडियो, फिर वहाँ से लोग मुजफ्फरपुर से यहाँ आए। इतना दूर से आने के, क्या आपके इधर एक्टिव लोग नहीं है क्या? हम लोग इधर 2022 तक सब ये पैसा जमा किए थे। 2022 तक जमा हुआ? 2022 तक सब जमा किए थे, पर हम 2020 में ये छोड़ दिए थे। सर के द्वारा मालूम चला कि सहारा इंडिया से हमारा इंडिया में जो कन्वर्ट किया गया पैसा वो फर्जी तरीके से, फिर हम लोग वो पैसा जमा करना बंद कर दिए। अब क्या लग रहा है, जैसा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, सुरजीत श्यामल जी जैसा लगातार पिटीशन दे रहे हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है कि आगे हम लोग की ये बातों को सुना जाएगा और आगे की ओर देखा जाएगा। आगे की ओर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ हुआ। ऋषभ, चलिए देखिए, ये मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं और ये जिनका कहना है कि वहाँ तो 2022 तक लगातार पैसे लिया जा रहा था, क्योंकि सुरजीत श्यामल जैसे व्यक्ति वहाँ पर एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब इसका असर देखिए, पिछले साल से जो सुरजीत श्यामल जी और देवानंद जी जो लगातार कर रहे, उसका असर पूरे इस क्षेत्र में देखने को आप मिला होगा। कोई भी अब जितने भी जमा करता थे वो सब अपना पैसा रोक लगा दिए हैं। अगर इसी प्रकार के लोग अगर जागरूक हो जाएं तो समझिए कि क्या होगा, सब जगह से इनका ताला बंद हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ भैया जी? मेरा नाम जैनस कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप? बगल में सुपौल है। सुपौल से आए हैं। आपका भी पैसा इसमें क्या? जी जी जी। कितना पैसा आपका? मैं जमा किया था 15,000, दूना वाला है, 5 साल वाला है, 64 महीना वाला है। अच्छा, मेरा 7 साल हो गया, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। क्या लगता है, जैसा सुरजीत श्यामल जी और सारे लोग जा रहे हैं प्रदर्शन करने से कुछ उम्मीद जगती है क्या? सर, वो तो जाएंगे, देखेंगे क्या हुआ, जैसा है क्या, कुछ तो आश्वासन देंगे ना कि देंगे ना देंगे, तो देख कर भी फील हो जाएगा जो मिल जाएगा या नहीं। देख कर भी फील हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रदर्शन इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में हैं, तो आप देख रहे हैं वंदे बिहार, देखिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कटिहार तक के लोग आए हैं, हम आपको वीडियो में दिखाए हैं, आप देख रहे हैं वंदे बिहार इस वीडियो को। कहाँ से अलियन चाची? कहाँ से? बहुत दूर से आए हैं। कहाँ, कौन जगह से? हम सुपौल के पास आ रहे हैं, यह जिला भर रहे हैं। अच्छा, पैसा कितना जमा आगे कहले? हमारा 20,000 है। 20,000। देखिए यहाँ पर जो भी है बुजुर्ग, अपने के कितना है? 1,00,000। 1,00,000 रुपया? बाप रे। देखिए ये सब महिलाएं हैं, दुनिया ना दिले रहा है, अब उम्मीद है जो मिल जाता है। अल्लाह गोली मार दो सब जनता के, गोली मार दे सब जनता के, हां जनता के गोली मार दो। देखिए रहता ना सुल देखता है, 2,00,000 रुपया बनिहारी का खुरपी के कमाई का भर ले है, मार दो गोली, मार ही जाते पैसा के। ना 3 गो बेटी रहे, जमा किए हैं बनिहारी करके, खेतों में काम करके, ऐसा महिलाएं कह रही हैं। सोचिए आपको अगर यह वीडियो अगर देख रहे सरकार, तो उनका दिल क्या नहीं पसीज रहा है, जो महिलाएं अपना दिहाड़ी करके एक एक पैसा मेहनत करके जमा किए हैं, ऐसा कि क्या कह रही है, और कह रही है कि जो अगर पैसा नहीं दे सकते हैं तो हमें गोली मार दीजिए, ऐसा कहना है इनका। इतना रोता है इनका दिल। अब देख रहे हैं वंदे बिहार इस वीडियो को शेयर करते चले।